पूरे मुल्क में राजस्थान आज पहला राज्य बन गया है जिसने लंपी रोग में जो गाय मर गई थी उनको 40,000 रुपये DBT किया गया है। अब देखा होगा जो मैंने इंटरेक्शन किया महिलाओं से जो पूरे राजस्थान के अंदर, वो सब महिलाएं बहुत खुश थी और विद इन 3-4 मिनट के अंदर सबका पैसा पहुंच गया DBT के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, बहुत खुश थी महिलाएं। तो ये जो मैंने घोषणा की थी, बजट की घोषणा थी ये कि लंपी रोग में जो गाय मर गई है उन परिवारों को, उन पशुपालकों को 40,000 रुपये देंगे हम प्रति गाय। अब उन साथ में आगे के लिए बीमा कर दिया है कामधेनु योजना बना के, हर परिवार में 2 पशु हो चाहे गाय भैंस कोई हो उनको 40,000 का बीमा मिलेगा। उनका प्रीमियम और उनका सबका जो बीमा है वो सरकार करवाएगी। ये पशुपालक जो है उनका एक विश्वास बना रहे पशुपालन के अंदर, दूध का उत्पादन बढ़ता है उससे और धीरे धीरे राजस्थान बहुत प्रगति कर रहा है। हम चाहते हैं कि अमूल जो है लंबे अरसे से अपना ट्रेडमार्क चला रहा पूरे कंट्री के अंदर, एक दिन वो भी आएगा कि राजस्थान का सरस जो है वो भी हम लोग क्यों नहीं उनके मुकाबले आगे खड़े हो जाएं। ये हमारा सपना होना चाहिए क्योंकि आज कृषि के अलावा पशुपालन भी रोजगार का बहुत बड़ा साधन होता है। तो किसानों के साथ में सरकार पशुपालकों को भी पूरी तरह तवज्जो दे रही है, इसलिए पहले उन्होंने 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया था, BJP सरकार आई तो उसने वो ख़त्म कर दिया, वापस हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने पहले 2 रुपये किया अब 5 रुपये कर दिया, 5 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा पैसा मिलना उनको RCDF के कलेक्शन के अलावा उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसीलिए उत्पादन बढ़ता जा रहा है राजस्थान के अंदर और राजस्थान देश में नंबर 1 आ गया है। दूध के कलेक्शन के अंदर राजस्थान देश में नंबर 1 आ गया है, ये हमारे लिए बहुत सौगात की बात है। अभी कृषि मंत्री जी जाके आए थे दिल्ली में, तभी बात हुई थी वहाँ, तो हमें बहुत खुशी है कि राजस्थान कृषि के अंदर भी पशुपालन के अंदर भी कई क्षेत्रों में राजस्थान प्रगति कर रहा है। इसलिए मैंने कहा 2030 तक जो है अगर से प्रदेशवासी सोच ले हर क्षेत्र का आदमी कि मुझे मेरी ड्यूटी निभानी और कुछ नहीं करना, तो राजस्थान उन राज्यों की श्रेणी में आ सकता है जो नंबर 1 श्रेणी में हों। पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात है, पशुपालन को लिए हम लोगों ने उनके लिए तमाम दवाएं फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, डॉक्टर की नियुक्ति करी है, हर क्षेत्र में हम ध्यान दे रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, उसका बड़ा असर है। और ये उसका आपका जो ये कैंप लग रहे हैं महंगे रात के, अब 7 करोड़ कार्ड बढ़ चुके हैं, 7 करोड़, 1,60,00,000 घर में हम करीब पहुंच चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो चर्चा किसी राज्य की है उस राज्य का नाम है राजस्थान। या 25,00,000 बीमा की बात भी है, OPS की बात भी है, और भी कई योजनाएं हैं अभी वक्त नहीं मैं आपको बता सकूं, पर 8-10 स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर शुरू हुई है और पूरे देश के अंदर चर्चा के विषय बना हुआ है। अब जो मैनिफेस्टो बन रहे हैं राज्यों में वो मैनिफेस्टो का आधार राजस्थान की योजनाएं हैं। इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो गवर्नेंस दिए, बजट पेश किए, 5 बजट बिना टैक्स लगाए हुए पेश किए मैंने, वित्तीय प्रबंधन तो शानदार है कि हम योजना ला पा रहे हैं। इसलिए हमारे विपक्षी पार्टी वाले कहते पैसा कहाँ से आएगा, तो उनको मैंने जवाब दे चुका हूँ, वो आपस में रिपीट नहीं करना चाहता, पर इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन है। अब जो आर्टिकल ये आ रहे हैं कि राजस्थान की क्षमता है वित्तीय रूप से इन योजनाओं को लागू करने की, तो प्रधानमंत्री जी अभी आए थे अजमेर के अंदर, जो उन्होंने बातें बोल के गए उसका जवाब मैं नहीं, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, देश के कई इकोनॉमिस्ट जो है वो जवाब दे चुके हैं। सर पहले मंदिरों के लिए, गायों के लिए, तो भाजपा का जवाब देखिए, ये बातें पहले भी हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई, कोई जैन धर्म का आदमी हो, वो अपने अपने धर्म की पालना करते हैं। उन्होंने धर्म के नाम पे मार्केटिंग कर ली खाली, बस उनको ऐसा माहौल बना दिया कि बस यही हिंदू की बात करते हैं, बाकी कोई बात नहीं करता है। बदनाम किया हम लोगों को, वो बात थी नहीं। आज साधु संत मुझे भी मिले यहाँ 5-10, उन्होंने क्या कहा, साहब हमने अपने मांगा ही नहीं था, गांव में हमें लोग कहते हैं बिना मांगे 40,000 रुपये देना, हम भी लोग में गाय मर गई उसको,
उस परिवार के लिए कितनी बड़ी सुकून की बात हो गई, नई गाय खरीद रहेगा वो, सब महिलाओं ने मुझे कहा इंट्रक्शन के अंदर हम नई गाय खरीदेंगे, एक गाय हमारे पास है और दोनों को मैंने बीमा कर दिया, उन दोनों का भी। तो आज पशुपालन का क्षेत्र भी बहुत तेज गति प्रगति कर रहा है। किसान महोत्सव देख लिया आपने, इतने लोग आए, 60,000 किसान आ रहे हैं यहाँ पर, 60,000 किसान आएंगे 3 दिन के अंदर, फिर उदयपुर के अंदर आएंगे, फिर जोधपुर के अंदर आए, तो बड़े बड़े मेले लग रहे किसानों के, जहाँ जो आधुनिक तकनीकी है, यंत्र है, गोष्ठियाँ हैं, संगोष्ठियाँ हैं, उनको पूरी तरह से एजुकेट करना है, उनको नवाचार से अवगत कराना है, इसराइल की तरह, इसराइल से हम कई मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है, इसलिए हमने सपना देखा, यहाँ पानी, बिजली, शिक्षा की संस्थाएँ खुल गई है और स्वास्थ्य की सेवा में नंबर वन बन रहे देश के अंदर, सड़कें 1,00,000 किलोमीटर बन रही राजस्थान के अंदर, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी बन रही है, 1 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, निःसक्तजनों को, विधवाओं को, एकल नारी को। आज हम कह सकते हैं राजस्थान अगर तय कर ले 2030 तक राजस्थान उन राज्यों की श्रेणी में आ सकता है जो नंबर वन है, ये मेरा मानना है।